हरिद्वार में पोर्ट टैक्सी योजना का व्यापारियों ने विरोध शुरू कर दिया। योजना का ब्लूप्रिंट सामने आने के बाद अपर रोड पर पोर्ट टैक्सी का रूट निकालने पर स्थानीय व्यापारी आपत्ति जता रहे हैं। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले अपर रोड के व्यापारियों ने हाथ में डमरू, बैनर और तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए योजना का विरोध किया और इसका रूट बदलने की मांग की। व्यापारियों का कहना है कि अपर रोड से पोर्ट टैक्सी को ले जाने से न सिर्फ इस मार्ग पर कुंभ में निकाले जाने वाले पेशावियों पर फर्क पड़ेगा, बल्कि हरिद्वार का व्यापार भी चौपट हो जाएगा। व्यापारियों ने पोर्ट टैक्सी का रूट न बदलने पर कोर्ट में जाने की चेतावनी भी दी। नवभारत समाचार हरिद्वार उत्तराखंड से शहजाद अली की रिपोर्ट। बेल वाला हो गए करा जाए, हमारा ये कहना है। बाकी स्वागत करते हैं, पोर्ट टैक्सी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमने केवल रूट का विरोध कर रहे हैं। प्रशासन को भी पता है, हाँ प्रशासन से मिलेंगे, जाके पत्र लिखेंगे, बात करेंगे जा करके, व्यापारियों के बारे में बताएंगे उनको कि साहब व्यापारी को इस तरह से पीड़ा है, इससे हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारा रोजगार प्रभावित हो रहा है। बड़ी बड़ी पेशवाइयाँ यहाँ निकलती हैं, वो प्रभावित हो रही हैं। बड़े बड़े वो कुंभ मेले यहाँ लगते हैं, वो प्रभावित हो जाएंगे। हमारी यही डिमांड है शासन से भी, प्रशासन से भी, यहाँ जिलाधिकारी महोदय से भी। और नहीं तो अगर हमारे को अगर नहीं हमारी सुनवाई हुई तो हमारे को हाईकोर्ट भी जाना पड़ेगा। इसके स्टे में तो हम जाके रहेंगे। व्यापारी प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल फिर से रोड पे आ चुका है, फिर से मोर्चा संभाल लिया है प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने। सभी व्यापारियों का साथ देगा और व्यापारी भाइयों से भी निवेदन है, सब हमारे साथ खड़े हो, पूरा हक उनको दिला के रहेंगे। इस पोर्ट कार को अपर रोड पर नहीं आने देंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल की तरफ से पूरा आश्वासन अपने व्यापारी भाइयों को मैं देना चाहता हूँ।